चैप्टर फोर्टीन मैचुरेशन ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज का ये सेवंथ क्वेश्चन है ए सिलेंडर ऑफ कर सरफेस एरिया एक सिलेंडर है जिसका कर सरफेस एरिया इतना है इस फॉर्म ए रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट और रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट बनाता है वो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर शीट उस रेक्टेंगुलर शीट की डायमेंशन बताओ जिसकी लेंथ इफ इट्स लेंथ रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ ब्रेड से क्या है डबल है ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे रेक्टेंगल जो है वो क्या है भाई रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेड से डबल है यानी कि टू टाइम्स है तो लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल की हमने क्या मान लिया भाई एक रेक्टेंगल था ऐसे ठीक है अगर इसकी ब्रेथ को हम x मानेंगे तो लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी 2x उससे क्या हो जाएगी वो डबल हो जाएगी इसने यही कहा था हमने ब्रेथ x मान ली तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी और कट सरफेस एरिया सिलेंडर कितना दे रखा है 1250 स्क्वायर मीटर और इसने कहा था इसी जो सिलेंडर से ही क्या बनी है एक रेक्टेंगल बना है देखो कैसे बना है मैं बता देता हूँ जैसे ऐसी जैसे एक सिलेंडर ऐसे था मान लो ये सिलेंडर था ऐसे ठीक है ये सिलेंडर था ऐसे इसका कर्ट सरफेस एरिया था ये सिलेंडर है हमारे पास ठीक है ये सिलेंडर है ये और इसका कट सरफेस एरिया कितना है इतना है 1250 देखो अगर जब किसी हम सिलेंडर को खोलते हैं मान लो हमने ऐसे कैंची से इसको ऐसे काट दिया ऐसे इस तरह से काट दिया इसको जब इसको खोल लेंगे ना ऐसे सिलेंडर को खोलेंगे क्योंकि वो होलो सिलेंडर खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी देखो इसको जब हमने ऐसे खोला तो क्या मिली है? हमें एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी और इसकी रेक्टेंगुलर शीट की ब्रैथ क्या है एक्स है और लेंथ क्या है टू एक्स है ठीक है जो हमने मानी है अभी इसका मतलब आ, आ, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा ठीक है कट सरफेस एरिया कह लो सिलेंडर का क्योंकि यही कट सरफेस एरिया या फिर रेक्टेंगल का एरिया कह लो लेंथ मल्टीप्लाई बेड तो वो क्या होगा इक्वल होगा तो इसलिए हमने क्या लिया है भाई एरिया ऑफ रेक्ट कट सर्वेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना दे रखा है या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कट सर्वेस एरिया की जगह लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है इक्वल टू वन टू फाइव जीरो बात एक ही है चाहे कट सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह लो चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह लो क्योंकि उसी से ही रेक्टेंगल सीट बनी है तो हमारे पास आ जाएगा अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इस यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया लेंथ कितनी है टू एक्स है जो हमने मानी है और ब्रेथ कितनी है एक्स है अब क्या करेंगे इसको आ, टू तो टू ही रहेगा और एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर टू इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके कर देगा डिवाइड तो वन टू फाइव जीरो को टू डिवाइड तो आएगा हमारे पास सिक्स ट्वेंटी फाइव अब इधर एक्स स्क्वेयेर है और इधर है सिक्स ट्वेंटी फाइव हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वेयर रूट ले लेंगे इधर भी स्क्वेयर रूट और इधर भी स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है आपको पता होगा और सिक्स ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर रूट होता है ट्वेंटी फाइव तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली जो हमने शुरू में लेंथ और ब्रैथ ली थी उसी में अब एक्स की वैल्यू रख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगी टू एक्स यानी कि टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव यानी कि फिफ्टी मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के आ जाएगी एक्स यानी कि 25 मीटर तो ये इजी क्वेश्चन था अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अब एट्थ क्वेश्चन है डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रोलर आर 84 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली अब एक रोलर है रोलर होता है किसका किसकी फॉर्म में होता है सिलेंडर की फॉर्म में होता है एक सिलेंडर है कहने का मतलब वो क्या है 84 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर uh, है और 120 सेंटीमीटर उसका लेंथ uh, है यानी कि हाइट है इन हाउ मैनी रेवोल्यूशंस कैन द रोलर लेवल द प्ले ऑफ एरिया दिस अब एक प्ले है और प्ले का एरिया इतना है वन फोर स्क्वायर स्क्वेयर मीटर अब इस रोलर ने मान लो इस, इस टाइप का एक रोलर है इस रोलर ने ये मान लो एक प्ले ग्राउंड है जैसे मान लो ऐसे मान लेते हैं ये प्ले ग्राउंड है इस रोलर ने ऐसे प्ले ग्राउंड को क्या करना है भाई ऐसे इसको चलाना है और इसको क्या करना है प्ले ग्राउंड को लेवल करना है इसको ठीक है अब इसको इसने क्या करना है भाई लेवल करना है अगर तो ये भाई एक चक्कर एक बार अगर ये घूमेगा तो किसके चारों तरफ घूम रहा है ये घूम रहा है भाई ये कर्ड सरफेस एरिया के चारों तरफ ये घूम रहा है तो एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया है ठीक है तो हम ये निकाल लेंगे कि भाई इस रोलर का कर्ड सर्फेस एरिया कितना है वो कि, वो क्या होगा एक मतलब एक जो रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा वो उसके इक्वल हो जाएगा ठीक है और टोटल एरिया हमें पता है इतना उसने कवर करना है तो टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे हम वन रेवोल्यूशन में वो जितना एरिया कवर करेगा उससे डिवाइड कर देंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आप देखो कैसे करना है इसको तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ द रोलर एट्टी सेंटीमीटर रेडियस क्या आ जाएगा रेडियस उसका हाफ होता है आपको पता है एट्टी बाई टू यानी कि फोर्टी सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ लेंथ का मतलब हो गया हाइट हाइट ऑफ रोलर यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर अब एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड दे रखा है 15 uh, 1584 स्क्वायर मीटर ये स्क्वायर मीटर में दे रखा है तो इसको भी हम मीटर में इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे uh, इसको डिवाइड करेंगे कितने से 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा यानी कि ये हमारे पास हो गया भाई uh, 42 बाय 100 यानी कि uh, 0.42 मीटर ये हो गया इसका रेडियस और जब लेंथ को भी इसमें हम चेंज करेंगे तो इसको भी हम किस किससे डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से कर देंगे डिवाइड तो ज़ीरो से होगी ज़ीरो कैंसिल और तो आ जाएगा हमारे पास वन पॉइंट टू मीटर यानी कि क्योंकि ये चीज़ मीटर में थी इसलिए हमने इन दोनों को भी किस में चेंज कर लिया मीटर में हमने चेंज कर लिया अब हमारा क्वेश्चन कैसे करना है इसको आगे हमने निकालना है एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रेवोल्यूशन अभी मैंने आपको बताया था कि वन रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा रोलर जितना उसका कर्ड सर्फेस एरिया है यानी कि हम रोलर का कर्ड सर्फेस एरिया निकाल लेंगे कर्ट सर्फेस एरिया क्या होता है टू पाई आर एच टू पाई आर की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फोर टू ज़ीरो पॉइंट फोर टू और आ, एच कितना है हमारे पास एच है हमारे पास वन पॉइंट टू जीरो या वन पॉइंट टू कह लो ठीक है अब क्या करेंगे भाई हम पॉइंट हटा लो इसका बेशक अगर यहाँ पे हटाना है नीचे क्या आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा ये ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो ठीक है अब हमारे पास क्या आ गया हमारे पास ये चीज़ आ गई इसको आगे सोल्व करना है कर लो नहीं तो अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ अगर आप सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर लेना इसको ठीक है मगर इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इसका आगे फार्मूला लगेगा अब एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रेवोल्यूशन हमने निकाल लिया है अब हमने निकालना है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन जब भी नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालना टोटल एरिया जितना हमारा दे रखा है टोटल एरिया ये दे रखा है अपॉन एरिया कवर्ड एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन ऐसे ही निकलता है टोटल एरिया अपॉन एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन टोटल एरिया इतना है और एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इतना है हमारे पास टू इंटू ट्वेंटी फोर बाई ये अभी अभी हमने जो निकाला था ठीक है तो इसको इससे हमने कर दिया डिवाइड तो अब ये जीरो से ऐसे ये जीरो कैंसिल हो गया इसको क्या कहेंगे भाई ये सेवन ऊपर चला जाएगा हंड्रेड ऊपर चला जाएगा और ये हंड्रेड ऊपर चला जाएगा ठीक है ये रेसी प्रोकर ले लेंगे इसका तो सेवन हंड्रेड और हंड्रेड ये क्या आ गया ऊपर आ गया अब क्या करेंगे इन सब की हम कर देंगे कटिंग जब कटिंग वगैरह हम करेंगे तो कटिंग करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा फाइव रेवोल्यूशन ठीक है तो कितना उसको चक्कर काटना पड़ेगा रोलर को कितने रेवोल्यूशन लेने पड़ेंगे उसको लेने पड़ेंगे फाइव हंड्रेड रेवोल्यूशन ठीक है जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि भाई अगर उसने पूरा कवर करना है जैसे मान लो ये खेत था ये प्ले था उसने ऐसे एक चक्कर काटा दो तीन चार ऐसे घूमता गया घूमता गया घूमता गया ऐसे उसने पूरे उसको लेवल कर दिया तो कितने उसने चक्कर लगाए ऐसे घूमने में पूरे कितने लगाए उसको लेवल करने में फ़ाइव हंड्रेड रेवोल्यूशन उसने लगाए हैं ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन है वाटर इज पॉरिंग इन टू ए रिजर्वर एट द रेट ऑफ सिक्सटी लीटर पर मिनट एक मतलब पाइप से लगा लो या पाइप से जो पानी है एक तालाब के अंदर जा रहा है ऐसे लगाओ आप और सिक्सटी लीटर पर मिनट और एक मिनट में सिक्सटी लीटर वो तालाब को भर देता है पानी से इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिज़र्वर इज़ वन जीरो एट क्यूबिक मीटर ठीक है और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है उस तालाब का जहाँ पे वो पानी जा रहा है उसका टोटल वॉल्यूम इतना है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इफ़ इट विल टेक टू फिल द रिज़र्वर अब उसने क्या करना है भाई पानी को फुल भरना है कितना टाइम लगेगा उस तालाब को पूरा भरने में इतना वॉल्यूम भरने में कितना टाइम लगेगा वन हंड्रेड एट क्यूबिक मीटर वॉल्यूम को भरने में कितना टाइम लगेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दे रखा है सिक्सटी लीटर पर मिनट एक मिनट में सिक्सटी लीटर वो पानी भरता है तालाब में वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर हमको दे रखा है इतना वन ज़ीरो एट क्यूबिक मीटर अब क्यूबिक मीटर को भी अब क्योंकि ये लीटर में है इसको लीटर में चेंज कर लेंगे जब क्यूबिक मीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो वन थाउजेंड से कर देते हैं मल्टीप्लाई वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया लीटर में चेंज हो गया तो हमारे पास इतना आ गया इतने लीटर पानी उसने क्या करना है भाई भरना है ठीक है जो पानी आ रहा है वो तालाब में इतना पानी भरना है ठीक है अब हमने लगाना टाइम टाइम कितना लगेगा हमें टोटल वॉल्यूम पता लग गया और एक मिनट में कितना वॉल्यूम भरता है वो पता लग गया टोटल वॉल्यूम इतने लीटर है और एक मिनट में कितना भरता है तालाब सिक्सटी लीटर तो टाइम कितना लगेगा टोटल को इससे कर देंगे हम डिवाइड वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वर टोटल वॉल्यूम को और एक मिनट में कितना वॉल्यूम भरता है उस तालाब में एक मिनट में कितने लीटर पानी भरता है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ये है और एक एट में कितना भरता है इतना इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना टाइम आ जाएगा 1800 मिनट्स अब मिनट्स को अगर या तो ऐसे ही रहने दो मिनट्स में ही आंसर आ जाएगा अगर आवर में इसको चेंज करना है तो वन आवर में 60 मिनट होते हैं इसको 60 से डिवाइड कर देंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास आ जाएगा 30 आवर्स यानी कि जो 30 आवर्स में वो तालाब पूरा भर जाएगा ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार